तो खुश नजर आ रहे हैं, सभी खुश हैं इस बात से कि आखिरकार सरकार ने कानून की वापसी कर ली है, जिसे कहा नहीं गया हो। आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा करने के बाद सबसे अधिक गोदी मीडिया के स्टार एंकरों में लगातार मायूसी देखने को मिल रही है। न सिर्फ मायूसी बल्कि एंकर टीवी स्क्रीनों पर बौखलाहट भरी चिल्लपों भी कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की बहस को लेकर सामने आया है। जीतू पटवारी ने आज तक की क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि सबसे बेहतरीन नज़र वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है लेकिन आँखें कभी कभी। अरुण पुरी जी, मैंने प्रयास किया था आज तक की एंकर का सच से साक्षात्कार करवाऊं, लेकिन अंजना की झुंझलाहट ने आज तक की निष्पक्षता पर फिर सवाल उठा दिया है। साथ ही पटवारी ने अंजना के लिए लिखा है खिसियानी बिल्ली। आपको बता दें कि यह वही अंजना कश्यप हैं जो प्रधानमंत्री की यात्रा के समय अमेरिका जाकर अपनी बल भर बदनामी बेइज्जती करा कर आई थीं। अंजना की दाल सिर्फ स्टूडियो में बैठकर अपनी हाँकने और सूतने में ही गलती है, बाकी दूसरी जगह ये सभी बेशर्म हो जाते हैं। एक बार आप भी सुनिए जरा अंजना कश्यप देश के भीतर कितनी तेज पत्रकारिता करती है। तो खुश नजर आ रहे हैं, सभी खुश हैं इस बात से कि आखिरकार सरकार ने कानून की वापसी कर ली है। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहती थी तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आप वो भी एक साथ एक बार इनको दिखाइए मेरे साथ, आपको आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं, हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं नुकसान है दोनों दर्शकों के सामने रखा, हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान जो किसानों के मन में है शक है वो भी रखा, लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहाँ पर बोलेंगे। इससे पहले टाइम्स नाउ ग्रुप के नए चैनल नवभारत के एंकर सुशांत सिन्हा का दर्द भी कल फैलता नजर आया था। सुशांत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तीन कृषि बिलों को वापस ले लिया है, कल दूसरे फैसले भी वापस ले लेंगे। खबरिया टीवी चैनल नवभारत में पाठशाला नाम का कार्यक्रम होस्ट करने वाले एंकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। एंकर ने सबसे पहला जो ट्वीट किया उसमें बताया कि मोदी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं। उसके बाद के दूसरे ट्वीट में लिखा कि देश ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था नरेंद्र मोदी जी, कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं, पीएम मोदी के पाले हुए लोग अब उन मोदी को ही जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन देखना कहीं साहेब नाराज ना हो जाए। खैर, आज सामने आए अंजना कश्यप की इस डिबेट में भाजपा के महारथी प्रवक्ता संबित पात्रा सहित केसी त्यागी, मंजिंदर सिंह सिरसा और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। इसी दौरान अंजना ने किसानों के लिए बोलना शुरू किया तो जीतू पटवारी ने कहा, अंजना जी, आज आप जिन किसानों पर बात कर रही कल तक उन्हें ही आप लोग उल्टा सीधा भी बोलते थे, जिसे सुनकर अंजना हत्थे से उखड़ गईं। पटवारी के ट्वीट पर विशाल यादव नाम के यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि अंजना ओम कश्यप महिला के नाम पर एक बेहद घटिया बिका हुआ दलाल पत्रकार की तरह काम कर रही हैं, या कंगना राणावत से भी दूषित और घटिया मानसिकता वाली औरत है जो मीडिया के नाम पर देशवासियों को भ्रमित और गुमराह करती है। इस बीच सबसे बड़ी बात जो समझने काबिल है वह ये कि इन जैसे एंकर जिनको असल मुद्दों की समझ नहीं है वह टीवी पर स्टार बनकर देश को गुमराह करने का काम करते हैं, और इससे भी बड़ी हालत खस्ता यहाँ दिखती है कि पत्रकारिता संस्थानों से निकलने वाले नवे नवे पत्रकार भी इन जैसों को देखकर इनकी तरह बनने के सपने संजोने लगते हैं, लेकिन जब कुछ महीने काम कर लेने के बाद उन्हें टीवी की मायावी दुनिया का असल सच सामने आता दिखता है तो सिर पीट लेते होंगे।
इन गोदी एंकरों ने एक बार भी यह नहीं बताया होगा कि अब तक की रस्सा कसी में कितने किसानों की बलि चढ़ गई, कितनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, कितनों के सिर से पिता का साया उड़ गया है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब का गुनहगार अगर कोई है तो वह सिर्फ दो लोग हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी गोदी मीडिया। जंजवार के लिए नेशनल डेस्क नई दिल्ली। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।